देखो मेरे बच्चे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। हम जो लास्ट क्लास में एंगल्स को कर रहे थे, हम उसी एंगल्स को आगे कंटिन्यू रखते हैं जो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें करवाया था, उसी को कंटिन्यू रखते हैं। वो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी बन जाए इस वजह से मैंने अलग से वीडियो बनाई है। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम क्या हो 90 डिग्री। अगर किन्हीं भी दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो दोनों के दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल एक्स वाई जेड बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। वाई क्यों? 60 और 30 का सम करेंगे तो वो 90 बनेगा। तो हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, एंगल ए ओ बी, ये एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे बच्चे, प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब बात करते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल की। अगर हम सप्लीमेंट्री एंगल को देखें तो हमारे को यहाँ से क्या मिलता है, अगर किन्हीं भी दो एंगल का सम, किन्हीं भी दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, कितना हो मेरे बच्चे, 180 डिग्री हो, तो हम उन दोनों के दोनों एंगल्स को क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल एम एन के, ये दोनों के दोनों अगर हम सम करेंगे तो सम क्या आएगा, 180 डिग्री। एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल एम एन के इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई 120 प्लस 60 180, देन बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मेरे बच्चे। अब तक जो हमने किया ना मेरे बच्चे, वो मैंने तुम्हारे को बिल्कुल 6th 7th और 8th क्लास का बेसिक चीज़ें करवाई हैं। मैंने अब तक लाइंस और एंगल चैप्टर से कुछ भी एडिशनल नहीं करवाया है, एक्स्ट्रा नहीं करवाया तुम्हारे को। अब जो मैं करवाने वाला हूँ वो इस चैप्टर से रिलेटेड है, ध्यान से देख लेना मेरे बच्चे। लीनियर पेयर एंगल, सबसे पहली बात, तुम 8th क्लास में पढ़ चुके हो लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम एक तो देखेंगे इस पोर्शन के अंदर हम देखेंगे लीनियर पेयर एंगल को और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को। देखो मेरे बच्चे, लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, इन केस अगर कोई ऐसा केस बन जाता है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इफ नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म ध्यान से देखना मेरे बच्चे, जो कॉमन नहीं है वो आर्म फॉर्म ए स्ट्रेट लाइंस, फॉर्म्स ए स्ट्रेट लाइन, देन बोथ आर लीनियर पेयर एंगल। अगर समझ नहीं आया तो अब यहाँ पे देखो मेरे बच्चे, अगर ये हमारे पास एक क्या थी, एक यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपस में क्या है, दोनों के दोनों ओ बी एंड ओ ए नॉन कॉमन आर्म। क्या कह रहा है ये हमारे को, इन केस इफ नॉन कॉमन आर्म फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई दो नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन बना रही है, एक स्ट्रेट लाइन का काम कर रही है, देन बोथ आर लीनियर पेयर एंगल। ये जो स्ट्रेट लाइन थी मेरे बच्चे, ये हमारे पास एक आर्म थी, ये इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे हम एंगल एक्स को और एंगल वाई को क्या बोलेंगे, दोनों का सम क्या होगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई 180 डिग्री। तो एंगल एक्स एंड एंगल वाई बोथ आर लीनियर पेयर एंगल। हमारे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, जबकि नहीं भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है जो एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। जो ये जिस तरह से एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एंगल एक्स और एंगल वाई क्या है मेरे बच्चे, लीनियर पेयर एंगल्स। चलो नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम समझते हैं वर्टिकली, वर्टिकली मतलब बिल्कुल जस्ट अपोजिट। अब जिस तरह से 1 का अपोजिट 2 है, 3 का अपोजिट 4 है, हम ये नहीं बोल सकते ये आपस में वर्टिकली अपोजिट है, नहीं, 1 का वर्टिकली क्या है 2, 3 का वर्टिकली 4। अब देखते हैं मेरे बच्चे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। अगर हम देखें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को, यहाँ पे जो एंगल 1 है ना वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल 2 का, और ये आपस में दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 3 जो है वो एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब अगर हम यहाँ पे ये देखें, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 के, एंगल 1 प्लस 3 एंगल 1 प्लस 4। अगर मैं बोलूँ एंगल 2 प्लस 3 इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 4,
और ये आपस में इक्वल होंगे 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूं इस स्केल से, इधर देखो मेरे बच्चे, ये दोनों के दोनों एंगल किस पे बने हैं? स्ट्रेट लाइन पे, एंगल 1 और 4। तो ये क्या है? 180 डिग्री। अगर मैं इसको देखूंगा तो ये भी क्या है? 180। इधर भी क्या है? 180 डिग्री। और इधर भी क्या है? 180 डिग्री। तो इन आपस में, इन दोनों का आपस में जो सम है वो क्या होगा मेरे बच्चे? 180 डिग्री। ये आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं? ऑलवेज इक्वल। एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2 के, 3 होगा 4 के। अब इससे रिलेटेड हम एक थ्योरम करेंगे मेरे बच्चे कि ऐसे एंगल इक्वल क्यों होते हैं, हम एक थ्योरम प्रूव करके दिखाएंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये हमारे पास थ्योरम आ गई मेरे बच्चे, 6th चैप्टर की सबसे पहली थ्योरम है जो 6.1, उस थ्योरम को देखते हैं। देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये दो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, लाइन है पी एन और एल एम, एल एम लाइन और पी एन लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट के ऊपर। ये रहा ओ पॉइंट, इस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। इफ यदि टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, देन तब क्या होगा? द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो अब हमारा एक ही रूल है मेरे बच्चे, अगर हम सॉल्यूशन देते हैं, हमने यहाँ से थ्योरम का सॉल्यूशन देना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या होगा। गिवन में क्या है? लाइन एन पी एंड एल एम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, हमारे पास गिवन में है, इतना ही मिला है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? मैंने इन एंगल्स के नाम दे दिए चारों के चारों के। एंगल डब्ल्यू इक्वल होना चाहिए एंगल वाई के, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। एंगल एक्स एंगल जेड के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है मेरे बच्चे? देखो अब हम प्रूफ देंगे, हमें गिवन क्या था, प्रूफ क्या करना था, अब हम प्रूफ देंगे। थ्योरम का करने का एक तरीका होता है मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है थ्योरम को वैसे ही लिख देंगे। गिवन क्या था, अगर हम इतना भी लिख के आएंगे और ये फिगर बना के आएंगे, अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें 1 मार्क्स जरूर मिलेगा हमें। अब हमें प्रूफ क्या करना है मेरे बच्चे? अब यहाँ से, यहाँ पे सबसे पहले देखो, अगर मैं बोलता हूँ वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? देखो एंगल एक्स प्लस एंगल डब्ल्यू, इन दोनों एंगल का सम, ये क्या होंगे? लीनियर पेयर एंगल होंगे मेरे बच्चे। इधर से इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? लीनियर पेयर एंगल है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे के द्वारा बने हैं ये। इधर से देखो, ये ध्यान से देखो, जो मैंने अभी अभी बताया था तुम्हें, लीनियर पेयर एंगल है, तो ये दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल। अगर मैं बोलता हूँ एंगल, मैंने एक्स और डब्ल्यू को लिया, अब मैं बोलता हूँ एंगल एक्स और वाई, एंगल एक्स और एंगल वाई की बात करता हूँ, प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। वाई क्योंकि एंगल एक्स और वाई भी क्या है? लीनियर पेयर एंगल ही तो है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो हमारे को यहाँ से लीनियर पेयर एंगल मिल गया मेरे बच्चे, लीनियर पेयर एंगल। अब हमें यहाँ से ये तो पता चल गया, अब हमें ये प्रूव करके दिखाना मेरे बच्चे कि एंगल वाई डब्ल्यू के इक्वल होना चाहिए और एंगल एक्स जेड के इक्वल होना चाहिए। अब हमें ये भी पता चल गया कि इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का सम 180, और क्यों है? क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है इसलिए है। अब देखो मेरे बच्चे, बोथ आर इक्वल टू 180 डिग्री, बोथ आर ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये दोनों का सम 180 है, ये दोनों का सम 180 है, इन इनका इसका सम, इन दोनों एंगल्स का सम और इन दोनों एंगल्स का, इन दोनों एंगल्स का सम और इन दोनों एंगल्स का सम इक्वल है, तो ये आपस में हम इक्वल रख सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है मेरे बच्चे? एंगल एक्स प्लस एंगल डब्ल्यू इक्वल होगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई के। मैंने क्यों ले लिया? क्योंकि इन दोनों एंगल का सम भी 180 है, इन दोनों एंगल का सम भी 180 है। अगर ये आपस में, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस एंड बोथ आर ऑल्सो इक्वल, देन बोथ आर ऑल्सो इक्वल, तो हमारे को ये पता चल गया एंगल एक्स और प्लस डब्ल्यू इक्वल होगा एंगल एक्स प्लस वाई के। अगर मैं एंगल एक्स को इधर ले आऊँ, एंगल एक्स प्लस एंगल डब्ल्यू इस एंगल को इधर लेके आऊंगा, माइनस का एंगल बन जाएगा। अगर मैं इस एंगल को इधर लेके आऊंगा तो एंगल कैसा बन जाएगा? माइनस का, उधर कौन रह गया? एंगल वाई। अब ये वाला एंगल इससे कैंसिल आउट हो गया, एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू
angle y. Hence prove. तो हमारे को यहाँ से क्या पता चल गया मेरे बच्चे, एंगल W एंगल Y के इक्वल आ गया। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, एंगल X को और Z को भी प्रूव कर सकते हैं। फिर हम क्या कर लेंगे, इस वाले एंगल को और इन दोनों एंगल को, इन दोनों एंगल का सम 180 ले लेंगे इधर, एंगल X प्लस W, और यहाँ पे कर देंगे एंगल W प्लस Z। बस W से W कट जाएगा, X इक्वल टू आ जाएगा जेड के, तो हम यहाँ से इजली प्रूव कर सकते हैं। ये मैंने तुम्हारे को जो करवाया है मेरे बच्चे थ्योरम करवा दी है। 6.1 एक्सरसाइज तुम्हारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब तुम इजीली 6.1 एक्सरसाइज कर सकते हो। और मैं तुम्हें एक चीज बोलना चाहता हूँ मेरे बच्चे, जो मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ ना, मेरे पास सिर्फ वही सब कुछ है। बस क्वेश्चन करवाना ना करवाना वो एक अलग चीज है। मैं इंट्रोडक्शन में बहुत सारी तरह के क्वेश्चन उठाता हूँ, मैं इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा लंबा देता हूँ। कोई कोई टीचर ऐसा करता होगा, लेकिन मेरी हैबिट है मेरे बच्चे कि मैं इंट्रोडक्शन में पूरी फुल्ली डिटेल से बताना पसंद करता हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन चलता है दो दो तीन तीन दिन। अगर रेगुलर क्लास होती थी तो दो दो तीन तीन दिन तक छः छः सात सात पीरियड होते थे मेरे इंट्रोडक्शन के। बट अब मजबूरी हमारी, हम क्या कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कोशिश करेंगे, मैक्सिमम मैं भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर तुम्हारे को एक बार कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो उसको ना वीडियो को 10 सेकंड 20 सेकंड बैक करके और दोबारा देखा करो मेरे बच्चे। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है मेरे पास, कमेंट किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, मेरे को ये बताया करो कि हमें अच्छी लगी या ये प्रॉब्लम थी, क्या साउंड की प्रॉब्लम थी या देखने में प्रॉब्लम थी या क्वालिटी ख़राब है, क्या कुछ SMS सॉरी कॉमेंट करके कुछ बताया करो ना मेरे बच्चे। मुझे कैसे पता चलेगा अब तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आज का टारगेट है सभी बच्चों ने कमेंट करना जो जो वीडियो देखेंगे। चलो मेरे बच्चे, ओके।